अब हम लोग हिल स्टेशन नंबर 11 में आ जाते हैं। ये रहा हिल स्टेशन नंबर 11। आरएसटी लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल कितना दे रखा है, 10 लाख का। इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज, तो यहाँ फेस वैल्यू हम लोग को मालूम कितना होगा, तो फेस वैल्यू 100 हो गया। और ये हो गया क्या चीज, तो ये कैपिटल दे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 100। 10 लाख डिवाइड बाय 100, तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा, 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। जब सम्स में आगे बढ़ते हैं, द शेयर आर करेंटली कोटेड एट पार, मतलब इसका जो करेंटली करेंट प्राइस है शेयर का वो कितना है, तो 100 ही है। और आगे क्या है, द कंपनी प्रपोजेज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे डिविडेंड D0 कितना हो गया, D0 यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि डिविडेंड कितना एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है, एंड है, तो यहाँ पे D1 है, D1 हो जाएगा। तो देखिए इस लाइन को फिर से देखिए, द कंपनी प्रपोजेज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड। यहाँ पे जैसे ही एंड बोला मतलब क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। अगर बिगनिंग रहता तो यहाँ पे D0 होता, नहीं तो D1 हो जाएगा, ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। आगे क्या दे रखा है, द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास ऑफ विच द कंपनी बिलोंग्स इज 12%। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट 12% है, इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे के ही हम लोग को सम्स में कितना मालूम है, 12%। फिर सम्स में क्या बोला, कंप्यूट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हम लोग को मार्केट प्राइस निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, कब, जब डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, और दूसरा क्या है, जब डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया तब। तो देखिए सबसे फर्स्ट काम हम लोग को क्या निकालना है इसमें, तो मार्केट प्राइस निकालना है। आगे थर्ड नंबर पे क्या बोला, एज्यूमिंग दैट कंपनी पे अ डिविडेंड एंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो यहाँ कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, तो 5 लाख दे रखा हुआ है। एंड मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे क्या है, कंपनी के पास अर्निंग है जिसमें से इन्वेस्टमेंट कितना करना चाह रही है, तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख का करना चाहती है। ड्यूरिंग द पीरियड हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड यूज द MM मॉड्यूल। तो हम लोग को क्या करना है, MM मॉड्यूल से निकालना है कितना शेयर, न्यू शेयर इशू किया जाएगा। तो इस सम्स में हम लोग को क्या निकालना होगा, तो इस सम्स में हम लोग को सबसे फर्स्ट नंबर पे निकालना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जिसमें निकालना है डिविडेंड जब पे किया गया था या डिविडेंड जब पे नहीं किया गया था तब। एंड दूसरा निकालना है चेंज इन नंबर ऑफ शेयर, मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, चेंज इन एन। तो चेंज इन एन ये हम लोग को दो काम इसमें करना है, इसमें वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं निकालना है। तो अगर वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं निकालना है तो उस फॉर्मुला में हम लोग नहीं जाएंगे, जैसे कि हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में किए थे MM अप्रोच का। तो चलिए बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए। ये रहा हम लोग का कितना नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। सम्स में सबसे पहले कितना क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग को एन दे रखा हुआ है, एन कितना हो गया, तो 10,000 हुआ। कैसे हुआ था 10,000, तो हम लोग निकाले थे 10 लाख डिवाइड बाय 100 करके, तो हम लोग को एन हो गया 10,000। उसके बाद सम्स में क्या दे रखा हुआ है, P0 कितना दे रखा हुआ है, 100 दे रखा हुआ है। ये कैसे निकाले थे, तो ये हम लोग को सम्स में दे ही रखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था ना कि 100 पर शेयर है, प्राइस जो चल रहा है वो 100 चल रहा है, और करेंटली ये है कोटेड एट पार। तो इस तरह से हम लोग का P0 कितना हो गया, 100 हो गया। और जब सम्स में और आगे बढ़े तो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, डिविडेंड D1 हम लोग के पास कितना दे रहा है, 10 दे रखा हुआ है। अगर डिविडेंड इशू किया जाएगा तो 10 होगा, अगर इशू नहीं किया जाएगा तो उस टाइम में डिविडेंड कुछ भी नहीं होगा। एंड उसके बाद KE कितना दे रखा हुआ, तो KE हम लोग के पास 12%, सम्स में KE हो गया 12%, और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ था। इसी से हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो हम लोग को प्राइस निकालना है MM अप्रोच के हिसाब से। MM अप्रोच में हम लोग का क्या होता था, MM हाइपोथेसिस में हम लोग क्या होता था फॉर्मूला, इसमें होता था P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के ई, यही फॉर्मूला होता था ना। इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे प्राइस निकालेंगे। अब इसमें केस वन था, केस ए में क्या दे रखा था, When dividend is not declared, जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है तो इस केस में P0 तो हम लोग को मालूम है, P0 कितना मालूम है पहले से, तो ये तो हम लोग को 100 मालूम है, तो यहाँ आ जाएगा 100। उसके बाद P1 तो कितना हो जाएगा, तो P1 तो हम लोग को निकालना है। एंड डिविडेंड जब डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, तो डिविडेंड 0 हो जाएगा इस केस में, डिविडेंड
डिवाइड बाय वन प्लस केई, केई कितना दे रखा होता था, केई दे रखा था हमको 12%, 12% को हम लोग 0.12 तो लिख सकते हैं, इस केस में हम लोग आ जाएगा 100 इंटू 1.12 इज इक्वल टू पी वन। तो यहाँ पे प्राइस कितना आ गया, पी वन इज इक्वल टू 112। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा उस केस में प्राइस कितना हो गया, 112 हो गया, ये केस वन का था। अब केस टू में चलते हैं, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो उस केस में क्या होने वाला है, वो हम लोग का केस नंबर टू हो गया। तो केस नंबर टू में सबसे पहले क्या हो गया, पी जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस डी वन डिवाइड बाय वन प्लस के। अब पी जीरो तो इस केस में भी तो 100 ही आने वाला है, प्लस पी वन तो हम लोग को निकालना है, तो पी वन आ जाएगा। और जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो उस केस में डिविडेंड कितना दे रखा हुआ है, तो डी वन हम लोग को कितना दे रखा हुआ था, तो डी वन हम लोग को दे रखा हुआ था 10। तो ये आ जाएगा हम लोग को यहाँ 10 डिवाइड बाय वन प्लस के कितना था, तो वन प्लस के बदले कितना परसेंट था, के दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ 12%, 0.12। 100 into 1.12 is equal to P1 plus 10. इस केस में P1 is equal to 112 minus 10. तो ये कितना आ जाएगा, 102। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया इस केस में, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता था तो इस केस में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाने के टाइम में यहाँ पे 102 आ गया मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। ये तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब इसका जो थर्ड केस दे रखा होता, क्या दे रखा होता यहाँ पे थर्ड केस, एज्यूम डैट कंपनी पे अ डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी एज्यूम क्या करना है हम लोगों को, कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है एंड जिसमें नेट अर्निंग कितना दे रखा होता है, नेट अर्निंग यहाँ पे 5 लाख दे रखा हुआ है और इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को एज्यूम क्या करना है कि डिविडेंड पे कर रहा है। तो ये रहा हम लोग का ये पॉइंट नंबर 3। जब डिविडेंड पे किया जा रहा है तो हम लोग के पास क्या हो गया, नेट अर्निंग, नेट अर्निंग है 5 लाख का जिसमें से डिविडेंड पे किया जाएगा, तो माइनस डिविडेंड पेड, और डिविडेंड कितना पे किया जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर कितना दे रखा था हम लोग को, नंबर ऑफ शेयर 10,000 दे रखा हुआ था पहले से 10,000, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे किया जा रहा था, तो 10 रुपीज़ का इंटू 10 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का डिविडेंड कितना पे किया गया, तो डिविडेंड पे किया गया तो यहाँ पे 4 लाख हम लोग का नेट अर्निंग हो गया। डिविडेंड 1 लाख का पे किया गया तो इस तरह से हम लोग का 4 लाख क्या हो गया, नेट अर्निंग हो गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को, देखिए हम लोगों के पास सबसे पहले नेट अर्निंग 5 लाख का था, तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, नेट अर्निंग हम लोग के 5 लाख का था, तो ये आ गया हम लोग का 5 लाख, ओके, जिसमें से डिविडेंड पे किया जाना है। तो जब डिविडेंड पे किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को देखना है नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग एकदम स्टार्टिंग में लिखे थे, ये रहा हम लोग का नंबर ऑफ शेयर 10,000, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे किया जा रहा था, तो 10, तो 10,000 इंटू 10, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया 10,000 इंटू 10, 1 लाख। तो अब जो नेट अर्निंग, जो नेट अर्निंग देखा जाए तो इस केस में हम लोग का नेट अर्निंग कितने का हो गया, 4 लाख का हो गया। अब इन्वेस्टमेंट कितना करना चाह रही कंपनी का, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का कितना है, इन्वेस्टमेंट कंपनी करना चाह रही है 10 लाख का, इन्वेस्टमेंट कितने का कंपनी करना चाह रही है 10 लाख का। अब इस 10 लाख में से हम लोग के पास ऑलरेडी रिटेन अर्निंग के रूप में कितना पैसा है, इस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग के रूप में कितना है, तो इस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग या नेट अर्निंग के रूप में कितना है, तो 4 लाख का है। तो इस कंपनी को फंड कितने का और जरूरत पड़ेगा, कितने का जरूरत पड़ेगा, तो इस केस में 6 लाख का फंड रिक्वायर्ड है। ये हो गया क्या चीज हो गया, तो ये हो गया फंड रिक्वायर्ड कितने का, तो 6 लाख इसे और चाहिए। और करेंटली जब डिविडेंड पे किया जा रहा था तो उस केस में शेयर का प्राइस कितना दे रखा हुआ था, तो यहाँ पे 102 दे रखा हुआ था शेयर का प्राइस, इसलिए नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, चेंज इन एंड जिसे बोला जाता है नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 102। इस केस में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, तो 6 लाख डिवाइड बाय 102, तो ये आ गया नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड 5882। इतना शेयर नंबर ऑफ शेयर इशू किया जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का सम्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम्स में।